वहीं अशोक तंवर के इस्तीफे पर जेजेपी के हरियाणा अध्यक्ष ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस न सिर्फ हरियाणा में बल्कि देश में भी कमजोर विपक्ष साबित हुई है, तो अपने परिवार को बिखरने से नहीं बचा पाई तो कांग्रेस। तो आइए आपको सुनाते हैं कि जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह ने इस पर क्या कुछ कहा। कांग्रेस पार्टी 5 वर्षों तक आपसी लड़ाई में लगी रही और इतना फेलियर रहा उनका कि अपना संगठन भी नहीं बना पाए 5 वर्षों, और आज जो रोज़ सुनते थे आज उसकी लड़ाई होगी आज उसकी होगी, और आज सुना है कि पूर्व प्रदेशाध्यक्ष पार्टी छोड़ चुके हैं, सभी पदों से पार्टी मेंबरशिप से त्याग पत्र दे चुके हैं। तो मैं तो दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ इन चीज़ों को कि पार्टी आपस में लड़े। अरे पार्टी का काम है सत्ता से लड़े। मैंने पहले भी साथियों ने जितने लोगों ने पूछा मैंने कहा कि उनका स्वागत है, अगर वो आना चाहेंगे जननायक जनता पार्टी के दरवाजे खोले। तो अशोक तंवर के इस्तीफे पर अब तमाम पार्टियों की तरफ से चुटकी ली जा रही है, तो वहीं जेजेपी के निशान सिंह की तरफ से भी कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा गया। तो कांग्रेस की जो फूट है वो अब कहीं ना कहीं खुलकर सामने आ गई है। हालांकि पार्टी जरूर किनारा करती रही, इस पर भी निशान सिंह कहीं ना कहीं निशाना साधते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि पार्टी की जो कार्यकर्ता हैं उनकी अनदेखी जो है कांग्रेस करती रही है, और शायद उसी की वजह है कि पार्टी छोड़कर लोग दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं।